चलो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, फिर हमने क्या देखा था उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया था। कितने फीचर्स थे? 7 फीचर्स थे। और कितने इम्पोर्टेंस थे? 7 इम्पोर्टेंस थे। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल। हेनरी फेयोल नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, तो वो देखते हैं उनके बारे में। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे थे। हेनरी फेयोल वॉज बॉर्न इन फ्रांस 1841। वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? फ्रांस में बॉर्न हुए थे। और किस डेट पे बॉर्न हुए थे? 1841 में। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। फिर 1888 में ही वॉज प्रोमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उनको डिग्री कब मिला था, कौन से इंजीनियरिंग में? माइनिंग इंजीनियरिंग में। कौन से ईयर में? 1860 में मिला था। और फिर उनको 1888 में उनको क्या बना दिया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था एक कंपनी के। आफ्टर 30 इयर्स व्हेन ही रिटायर्ड द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। मतलब बात समझ में आ रही है, सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि वो बॉर्न कब हुए थे, 1841 में। कहाँ हुए थे? फ्रांस में हुए थे। 1860 में उनको क्या मिला था, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री उन्होंने प्राप्त किया था। फिर 1888 में उनको क्या बना दिया गया था, प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। और उसके बाद जब 30 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उस टाइम पे उस कंपनी की पोजीशन बहुत ज्यादा क्या थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग थी। बात समझ में आ गया। छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हेनरी फेयोल कब बॉर्न हुए थे, वो किस चीज में उन्होंने डिग्री मिला था, फिर उनको क्या बना दिया गया था और आफ्टर रिटायरमेंट उस कंपनी की पोजीशन कैसी थी। अब नेक्स्ट देखो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, उनका क्या क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले क्या, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने ये सारे कंट्रीब्यूशन किए, ये सारे योगदान किए। कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला देखो, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल्स। उन्होंने डिफरेंस बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो होता है उसका टेक्निकल स्किल्स अलग होता है, मैनेजेरियल स्किल्स अलग होता है। टेक्निकल मतलब क्या, टेक्नोलॉजी वगैरह को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसी से समझेंगे। टेक्निकल मतलब क्या, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो वो कैसे टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, वो उसके कौन से स्किल्स हो जाएंगे, टेक्निकल स्किल्स हो जाएंगे। वो चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो उसके कौन से स्किल्स हो जाएंगे, मैनेजेरियल स्किल्स हो जाएंगे। तो पहले क्या समझा जाता था, कोई भी पर्सन जो टेक्निकली एकदम अच्छा स्किल डेवलप्ड है तो वो माना जाता कि वो कोई भी चीज को अच्छे से मैनेज कर सकता है। बट इन्होंने आके क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया कि एक पर्सन के टेक्निकल स्किल्स क्या हो सकते हैं, अलग होते हैं, और उसके मैनेजेरियल स्किल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। बात समझ में आ गया। टेक्निकल मतलब क्या, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैनेजेरियल स्किल्स मतलब क्या, रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो क्या डिस्टिंग्विश किए थे, टेक्निकल स्किल और मैनेजेरियल स्किल। सेकेंड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पहले होगा, फिर ये क्या थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया था कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो कितने फंक्शंस है, 5 ही। और 5 कौन कौन से है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि क्या टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं, और मतलब टेक्निकल स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स क्या होते हैं, आपस में डिफर करते हैं। दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस होते हैं, 5 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर है दोनों कंट्रीब्यूशन। अब थर्ड जो है वो है, ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ
management which act as guidelines for managers to perform managerial activities. उन्होंने कितने principles दिए? 14 principles दिए, जो कि कौन यूज करता था? मैनेजर्स यूज करते थे एज अ गाइडलाइंस. किस चीज के लिए? टू मैनेज एक्टिविटीज. बात समझ में आ गया? कितने कंट्रीब्यूशन दिए उन्होंने? 3. इसीलिए उनको क्या बोला जाता था? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? टेक्निकल और मैनेजेरियल स्किल्स में डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने. दूसरा, पांचों फंक्शंस बताए कि मैनेजमेंट में ये सारे फंक्शंस होते हैं. और थर्ड, हाँ, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया. और वो क्या यूज करते थे? मैनेजर्स यूज करते थे एज गाइडलाइंस टू परफॉर्म मैनेजेरियल एक्टिविटीज. बात समझ में आ गया? इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. क्या यहां तक बात क्लियर है? पहले हमने क्या देखा कि हेनरी फ्योल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्टरी देखा कि वो कब बॉर्न हुए थे, कहाँ हुए थे, किस चीज में उनको डिग्री मिला था, उनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया था, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उस कंपनी की पोजिशन कहाँ पे थी. ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बोला जाता है. और इसी कारण से क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूशन किया था. पहला, डिस्टिंग्विश किया था मैनेजेरियल और टेक्निकल स्किल्स में. दूसरा क्या दिया था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और तीसरा, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से यूज किया जाता है. बात यहां तक क्लियर है? अब इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए, इन्हीं को एक एक करके हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है. चैप्टर का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हमको सबको क्या करना है? स्टडी करना है. चलो स्टार्ट करें. यहां तक बातें समझ में आ गया? हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14. एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला क्या है? देखो, डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से क्या समझ में आता है? काम को बांटना. डिवीजन मतलब डिवाइड करना, काम वर्क मतलब क्या? काम. तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या? हम काम को बांटेंगे. चलो देखते हैं. एवरी वर्क शुड बी गिवेन टू पर्सन्स रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन. व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क अगेन एंड अगेन, ही शी बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन द पर्टिकुलर थिंग एंड देयर एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज. दो पॉइंट में हमने क्या देखा कि हमको काम को बांटना है. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? काम को बांटना. लेकिन ऐसे रैंडमली बांट देंगे क्या? नहीं, हम जिसको भी काम दे रहे हैं वो उस चीज में उसकी क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी होनी चाहिए. दूसरा, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. और तीसरा क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, मैनेजर को मैनेजर लेवल का काम देंगे, वर्कर को वर्कर के लेवल का काम देंगे. तो ये बेसिस कैसे मिलता है? कैपेबिलिटी से, क्वालिफिकेशन से और एक्सपीरियंस से. क्या बात समझ में आ गया? फिर क्या बोल रहा है? जब एक पर्सन एक टाइप के काम को बार बार परफॉर्म करता है तो वो उस चीज में क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड हो जाता है. और उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. एक ही चीज में तुम बार बार करोगे तो अपने आप उस चीज में तुम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा और वेस्टेज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बात समझ में आ गया? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? काम को बांटना. किस बेसिस पे बांटेंगे? कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन. फिर एक पर्सन अगर एक एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. पहले स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्या बात समझ में आ गया? अब ये जो हमारे पास क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? प्रिंसिपल है. अब इस प्रिंसिपल का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव या कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट भी है. तो चलो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला क्या है हमारे पास? देखो, डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन. एक पर्सन एक टाइप का काम कर रहा है तो उसकी स्पेशलाइजेशन उस चीज में बढ़ जाएगी. दूसरा पॉइंट, स्पेशलाइजेशन प्रमोट स्पीड एंड एक्यूरेसी टू वर्क एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ एन
ऑर्गेनाइजेशन, तुम एक ही चीज को बार बार करोगे तो उसमें तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा, तुम उसमें ज्यादा एक्यूरेटली काम करोगे। एक चीज में कोई भी पर्सन अगर एक लंबे समय तक काम करता है तो वो उस चीज में क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो अपने आप उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, स्पीड भी बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया। इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट। क्या हमने ये तीनों पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था? बस वही जो हमने समझा उसी से हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव चीज निकालना है, और उसी से हमको क्या निकालना है, नेगेटिव चीज निकालना है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्या था, पॉजिटिव में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, दूसरा स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और तीसरा एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब नेगेटिव में देखो क्या, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे, मतलब क्या, अगर हम इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे तो उसके कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम फॉलो कर रहे तो वो स्पेशलाइजेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, नो स्पेशलाइजेशन। वहां पे क्या हो रही थी, एफिशिएंसी हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। वहां पे क्या हो रहा था, काम को अच्छे से परफॉर्म किया जा रहा था स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, यहाँ पे क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बताओ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा? हाँ, रिपीट हो जाएगा। मैंने अगर आप लोग को बोल दिया कि आपको ये पर्टिकुलर चीज करना है, तुमको बोल दिया तुमको ये पर्टिकुलर चीज करना है, तो मैंने काम को बांट दिया, तुमको क्लियर है तुमको क्या करना है, आप लोगों को भी क्लियर है आपको क्या करना है, तो वहां पे आप अपना अपना काम करोगे। अब आप लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है, तो आप जो काम करोगे हो सकता है इन लोग भी वही काम करें, सेम काम कर सकते हैं, तो वहां पे एफिशिएंसी बिगड़ेगा, डबल डबल चीजें हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, चीजें भी क्या होगी, वेस्ट होगी, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बात समझ में आ गया। स्पेशलाइजेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो स्पेशलाइजेशन होगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। अगर फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, यहाँ पे लैक ऑफ एफिशिएंसी रहेगा, वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्या बात समझ में आ गया? डिवीजन ऑफ वर्क हमारा क्या था, पहला प्रिंसिपल था। अपन को टोटल कितने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, 14। 14 में से पहला क्लियर है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, क्लियर है? चलो एक बार रीड करो खुद से, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं। क्लियर? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन किस बेसिस पे बांटना, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब क्या, अगर हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। अगर हम उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगा, एफिशिएंसी भी नहीं होगी, और क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का चांसेस रहेगा। यहां तक पक्का समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चले। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजंस, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। अब बात को समझना, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या लिखा है, पावर टू टेक डिसीजन, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये पावर है कि आप कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या ले सकते हो, खुद से डिसीजन ले सकते हो। मैं अगर बोलूंगी कि आपके पास ये ऑथोरिटी है, मतलब क्या, आपके पास ये पावर है कि एक ऐसा कोई भी एक्स वाई जेड सिचुएशन में अगर आप खड़े हो तो वहां पे आप खुद से क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। बात समझ में आया? अब रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, नॉर्मली मतलब क्या होता है,
रेस्पॉन्सिबल होना मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, कि आपको, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको ये काम को कंप्लीट करना है ऑन द गिवेन टाइम। तो बात समझ में आ गया, टर्म्स क्लियर है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, आपके पास ये पावर है कि आप डिसीजंस ले सकते हो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको गिवन टाइम पे, जो समय दिया गया है उस टाइम पे आपको क्या करना है, काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल बोलता क्या है, देखो, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो वेल, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तीन चीज हमने पढ़ा, अथॉरिटी क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी और पावर क्या मिलना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, एक मैनेजर है, ठीक है, उसको हमने सिर्फ ये दे दिया है कि आपके पास पावर है कि आप कोई भी सिचुएशन में कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, वो पावरफुल बन गया, ठीक है। तो हो सकता है वो गलत सिचुएशन में गलत डिसीजन ले ले, हमने उसको कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दी, हमने सिर्फ उसको क्या दिया है, पावर दिया है, तो ये चीज गलत है। दूसरे में एक वर्कर को हमने बोल दिया है कि आपको ना 100 यूनिट ऑफ गुड्स बनाना है, ठीक है, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना है, लेकिन हमने उसको ये अथॉरिटी नहीं दिया है कि आप वहां से जाके रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके आ सकते हो। मतलब हमने उनको सिर्फ क्या दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, अथॉरिटी नहीं दिया है। तो क्या वो काम को कंप्लीट कर पाएगा, उसके पास क्या है, जिम्मेदारी तो है कि उसको प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो चीजों को अपने हिसाब से डिसीजन ले सके। और जिसके पास सिर्फ पावर है वो क्या कर सकता है, पावर का मिसयूज कर सकता है। तो बात समझ में आया, यहाँ पे बोला है ना, सिर्फ इतना चाह रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा और जो अथॉरिटी होगा दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम वहां पे काम को नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ गया। लास्ट वाला लाइन देखो क्या बोल रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल नॉट अलाउ टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। मैंने अभी एग्जांपल दिया, हम किसी को जिम्मेदारी दे दे रहे कि आपको इतना गुड्स प्रोड्यूस करना है, लेकिन हम उसको पावर नहीं दे रहे कि आपको जितना रॉ मटेरियल्स चाहिए आप उतना यूज कर सकते हो। तो वहां पे उसके ऊपर एक बाउंडेशन आ जाएगा, जितना रॉ मटेरियल उसके पास अवेलेबल रहेगा उस तक तो वो बना लेगा, लेकिन जो नहीं रहेगा वो क्या बना पाएगा, क्या वो बना नहीं पाएगा। तो वो हमको काम को कंप्लीट करने के बीच में क्या ले आएगा, बैरियर ले आएगा। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझ में आया। अथॉरिटी मतलब क्या, पावर टू टेक डिसीजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। दोनों के बीच में ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ अथॉरिटी मिलेगा तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल नॉट अलाउड टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। क्या यहां तक बातें समझ में आ गया, क्लियर है। चलो इसके पॉजिटिव देखे अगर देखो दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा तो क्या कोई भी पर्सन अथॉरिटी का मिसयूज कर पाएगा, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है और उसको पावर भी मिली है तो वहां पे वो मिसयूज नहीं कर पाएगा। दूसरा, हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, जिम्मेदारी भी है और पावर भी है तो वो अपने हिसाब से काम करके काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो बिना डिले के काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब नहीं होगा तो जस्ट उसका क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, वहां पे क्या हो रहा था, मिसयूज, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे मिसयूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सिर्फ एक पर्सन को सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे तो वो मिसयूज ही करेगा, अगर सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो क्या काम को कंप्लीट कर पाएगा, क्या नहीं, तो वो क्या करेगा, डिले इन वर्क। और थर्ड क्या है, ओवरबर्डन ड्यू टू एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास पावर नहीं है, हम सिर्फ जिम्मेदारियां डालते जा रहे हैं, आपको इतना प्रोडक्शन कंप्लीट करके देना है, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, दोनों के पास
अगर सेम चीज रहेगा, अथॉरिटी भी रहेगी, पावर भी रहेगा, तो काम इजीली और ऑन टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक भी ज्यादा या एक भी कम रहेगा तो वहां पे क्या आएंगे, इश्यूज आएंगे। बात समझ में आ गया? तो पॉजिटिव क्या था, नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, और दूसरा क्या था, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, ये भी बोल सकते हैं। अब इसी को ऑपोजिट करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, डिले इन वर्क, और थर्ड एक क्या आ जाएगा, ओवरबर्डन ड्यू टू एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाएगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी से। डिविजन ऑफ वर्क क्या होता है, काम को बांटना, किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। इसी के बेसिस पे पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस लिख लोगे, पक्का लिख लोगे। फिर क्या था, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी रहेगा तो वो मिसयूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो वो काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट लिख लोगे और कॉन्सिक्वेंसेज लिख लोगे। बात समझ में आया? यहाँ पे जो नेगेटिव या जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उसका नेगेटिव बात को नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई नहीं करते तो ये सारी चीजें होंगी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का नेगेटिव पॉइंट को ड्रॉ आउट नहीं कर रहा है, वो ये बता रहे कि आप अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो ये सारे पॉजिटिव चीजें होंगी, और आप अगर नहीं अप्लाई करोगे तो उसके ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्लियर है ये चीज? दो प्रिंसिपल्स हो गए, पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? चलो थर्ड क्या है हमारे पास, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। नॉर्मली जो डिसिप्लिन है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी वही बोलता है कि हमको क्या करना है, जो भी रूल्स दिया है, जो भी रेगुलेशन है, उसको क्या करना है, फॉलो करना है। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशंस हेड। अगर कोई टॉप लेवल का मैनेजर है, वो ये बोलेगा कि मैं तो टॉप लेवल का मैनेजर हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करूंगा, मेरे को जब मर्जी होगा मैं तब आऊंगा, जब मर्जी होगा तब चले जाऊंगा, तो क्या ये चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। आप कोई भी लेवल पे हो, कोई भी लाइफ के कोई भी पॉइंट में हो, वहां पे आपको डिसिप्लिन की क्या होती है, नेसेसिटी होती ही है। देर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट टू बी फॉलोड एवरीवेयर। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर जगह पे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। फेयोल सेड दैट प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज फॉर सबऑर्डिनेट। सिंपल सी बात है, कोई वर्कर भी है, उसकी लाइफ में भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और एक कोई सुपीरियर या सबऑर्डिनेट जो भी रहेगा पर्सन, उसके लाइफ में भी क्या रहेगा, डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट रहेगा। यही बात किसने बोला है, फेयोल ने बोला है। बात समझ में आ गया? तो तीसरा जो प्रिंसिपल हमारा सिंपल है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। हम कोई भी लाइफ के कोई भी पोजीशन हेड पे रहे, हमको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। और फेयोल ने भी क्या बोला है कि डिसिप्लिन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक सुपीरियर हो या चाहे वो सब ऑर्डिनेट हो। बात समझ में आ गया? अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखो क्या, अगर वो रहेगा तो अपने आप सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, सब टाइम से आ रहे, सब टाइम से जा रहे, तो सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशन होगा। फिर क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, अच्छे से काम करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, लो वेस्टेज होगा और लो कॉस्ट भी होगा। अब देखो, अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, मतलब कोई इनडिसिप्लिन में है या कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चाओस रहेगा। कोई भी अपने टाइम पे आ रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी चले जा रहा है, कोई बिना बताए छुट्टी ले ले रहा है, तो वहां पे डिसऑर्डर में होगा। ऊपर जब फॉलो कर रहे तो सिस्टमैटिक हो रहा था, तो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, डिसऑर्डर में होगा। सारे लोग क्या रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। वहां पे क्या हो रहा था, ऊपर में सिस्टमैटिक वर्किंग, और ये डिसऑर्डर वाला आपस में ऑपोजिट हो गया। एक और क्या था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है,
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया जाएगा तो अपने आप यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको मैं बोलूंगी कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करके आना है कल तक. तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला, ये रूल बताया कि आपको कल तक करना ही पड़ेगा, तो वहां पे कंप्लीशन होगा. अब मैं आपको सिर्फ बोलूंगी कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो. तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन एब्सेंस है तो वहां पे अपने आप काम क्या होगा, डिले होगा. तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे तो सारी चीजें, सारे टास्क ऑन टाइम कंप्लीट होंगे, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो वहां पे काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. क्या बात समझ में आ गया? चलो तीनों को एक बार रिवाइज करो. एक पॉइंट कॉमन रहेगा सब में, लिख सकते हो ये चीज कि अगर हम कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो वो एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा. क्योंकि अच्छे से काम कर रहे हैं मतलब वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाएंगे लो कॉस्ट में और मिनिमम वेस्टेज में. क्लियर है? पहला डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटेंगे. फिर दूसरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के बीच में क्या रखेंगे, बैलेंस रखेंगे ताकि काम कंप्लीट भी हो जाए और अच्छे से भी ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए. थर्ड क्या था, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे चाहे वो एक सुपीरियर हो या चाहे वो एक सबऑर्डिनेट हो. यहाँ तक बातें क्लियर है? चलो फोर्थ प्रिंसिपल पे आते हैं. फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी मीन्स सिंगल पर्सन, कमांड मीन्स ऑर्डर. ऑर्डर देते हैं बोलते हैं ना, तो यूनिटी मतलब क्या, सिंगल पर्सन, और कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना. तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल बॉस. रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस. मल्टीपल बॉसेस मतलब क्या, बहुत सारे अलग अलग बॉसेस से, तो वो क्या क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन, एस एम्प्लॉयज वोंट अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर वुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. क्या बात समझ में आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड नाम से समझ में आ रहा है. यूनिटी मतलब क्या, सिंगल पर्सन, और कमांड मतलब क्या, ऑर्डर. ये बताते हैं ये प्रिंसिपल कि जो भी वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे उनको जो भी रिसीव होगा, जो भी ऑर्डर रिसीव होगा वो किन से होना चाहिए, एक ही सिंगल बॉस से होना चाहिए. अगर वो अलग अलग बॉसेस से रिसीव करेंगे तो वो कंफ्यूजन होगा और उनके बीच में ये डाउट आ जाएगा कि उनको कौन सा काम को पहले करना है. बात समझ में आ गया. एग्जाम्पल है जैसे क्या, ए हमारा बॉस है, ए ने बी को बोला कि आपको 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है. अब हमारे पास दो बॉसेस हैं, ए बी है और बी बी, बी नहीं लेते, ए है और सी है. तो सी भी बी को बोल रहा है कि आपको क्या करना है, 100 यूनिट्स को पैक करना है. समझ में आया क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ए उसको बोला कि आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है और बी आप सी बोल रहा है उसको कि आपको क्या करना है, 100 यूनिट्स पैक करना है. तो उसका ऑर्डर किन से मिला, दो बॉसेस से मिला, मल्टीपल बॉसेस से मिला. अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इनका काम पहले करूं या इनका काम पहले करूं, तो वो क्या क्रिएट किया, कंफ्यूजन क्रिएट किया. बात समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो एम्प्लॉय को ऑर्डर किनसे मिलना चाहिए, एक ही सिंगल बॉस से मिलना चाहिए, ताकि उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि वो किनकी बात पहले सुने और किनकी काम को बाद में करे. बात समझ में आ गया? ये कौन सा प्रिंसिपल है,
यूनिटी ऑफ कमांड. नाम से समझ में आ रहा है, यूनिटी मीन्स सिंगल पर्सन, कमांड मीन्स ऑर्डर. हमको ऑर्डर रिसीव किन से करना है, एक ही सिंगल पर्सन से. बात समझ में आ गया. अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखो, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज. उन लोग क्लियर रहेंगे कि उनको कौन सा काम करना है. नो ईगो क्लैशेस. बताओ इसका मतलब क्या होगा. अगर मान लो ये जो पर्सन है वो इसका काम पहले कर दिया, तो इसका ईगो हर्ट होगा कि नहीं, कि मैं भी तो बॉस हूँ, मैंने भी तो ऑर्डर दिया है ना, तो उसको मेरा काम भी करना चाहिए था. तो वहां पे क्या होगा, ईगो क्लैश होगा. लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जहाँ से हमको ऑर्डर ही सिर्फ एक ही बॉस से मिल रहा है, तो वहां पे ईगो क्लैश का कोई भी चांसेस नहीं होगा. थर्ड क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगा. लोग अच्छे से काम करेंगे, एक ही चीज़ में फोकस होके काम करेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, तो वो अपने आप एफिशिएंसी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. जस्ट उसका उल्टा कर दो, वहाँ पे क्या था, नो कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा. वहाँ पे ईगो क्लैश नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ईगो क्लैश होगा. वहाँ पे एफिशिएंसी थी, यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. एक पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन. सब अपना अपना काम करेंगे, वो बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो, तो क्या कोई भी काम सिस्टमैटिक ऑर्डर पे होगा, क्या सिस्टमैटिक ऑर्डर पे नहीं होगा. क्लियर है ये चीज. कितने प्रिंसिपल्स हो गए, चार. पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड. क्या यहाँ तक कोई भी ऐसा प्रिंसिपल है जो नहीं समझ में आया हो? क्लियर है सारे प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट चले, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल. इक्विटी मीन्स इक्वल और सिमिलर. इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, पोजिशन एंड ग्रेड. इफ अ मैनेजर इज बायस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटिंग इन डीलिंग ऑफ एम्प्लॉयज, देन द एम्प्लॉयज विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. क्या बोला जा रहा है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल. अब इक्वल हमको क्या करना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, ये सारे पोजीशन, ये सारे ग्रेड, ये सारे बेसिस पे हम उनको क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे. अगर एक मैनेजर कोई भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वहाँ पे दूसरा पर्सन क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, और अपने आप वो क्या नहीं देगा, 100% एफर्ट्स नहीं देगा. बात समझ में आ रहा है. मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जो पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है, और दूसरा पर्सन है जो 80% लगा रहा है, फिर भी रिकॉग्नाइजेशन किसको मिल रही है, सेकेंड पर्सन को, तो वहाँ पे ए का मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो क्या नेक्स्ट टाइम से 100% एफर्ट लगाएगा, क्या एफर्ट नहीं लगाएगा. तो बात समझ में आ गया. इसलिए मैनेजर को बायस्ड नहीं होना चाहिए, उनको कैसा ट्रीटमेंट देना है, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट. अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विटी डजंट मीन प्रोवाइडिंग इक्वल सैलरीज टू एवरी एम्प्लॉयज. हम यहाँ पे जब इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में क्या है कि हम उनको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कि फेयर ट्रीटमेंट हो, और कैसा हो, काइंड हो, और इक्वल ट्रीटमेंट हो, भेदभाव ना हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लेवल पे हो, आपको सेम सैलरीज मिल रहा है. बात समझ में आ रहा है. सैलरीज का जो पॉइंट रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, उनकी पोजिशन से, उनकी क्वालिफिकेशन से, उनकी ग्रेड से. लेकिन यहाँ पे इक्विटी का किससे रिलेशन रहेगा, कि वो कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए. हमको उनको क्या प्रोवाइड करना है, फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट. बात समझ में आ गया. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, क्लियर है. इक्विटी मतलब क्या, इक्वल या सिमिलर. ये क्या बोलता है कि हमको सबको क्या करना है, इक्वल या सिमिलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, ग्रेड या पोजीशन, ठीक है. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल पे करेंगे, क्या नहीं, हम पे इक्वल नहीं करेंगे. बात समझ में आ गया. अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, तो एम्प्लॉयज क्या रहेंगे,
सेटिस्फाइड रहेंगे और ये एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट भी करेगा। उसी का ऑपोजिट कर दो, एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड और वो डीमोटिवेट भी कर देगा। एक और जो पॉइंट है वो क्या कहता है, देखो, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स। अगर हमारे बीच में हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी दूसरे के साथ अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो अपने आप उसके मन में हमारे लिए क्या आ जाएगी, नेगेटिव चीजें आ जाएगी, जिसके कारण से हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। पहला अगर फॉलो करेंगे तो क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड भी रहेंगे। फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और एक और पॉइंट क्या है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रहेगा उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, अनहेल्दी, दोनों एक दूसरे से चिढ़ने लगेंगे, ठीक है, तो वहां पे चीजें फेयर नहीं होगी। बात समझ में आ गया। कितने हो गए प्रिंसिपल्स, चलो पहला डिविजन ऑफ वर्क, दूसरा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलो एक बार रिवाइज करो, क्वेश्चंस पूछूंगी फिर बाकी के नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल्स। चलो पढ़ो, मैं पूछूंगी अभी, फिर टेस्ट पेपर्स भी देना है ना। चलो क्या था सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से समझ में आ रहा है हम क्या करेंगे, काम को बांटेंगे किस बेसिस पे, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस, उससे क्या बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, समझ में आ गया। दूसरा क्या था, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कोई भी एक ज्यादा होगा तो वहां पे मिसयूज होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बात समझ में आ गया। फिर क्या है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का सिंपल मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। और फेयोल ने क्या बोला कि डिसिप्लिन किन के लिए रिक्वायर्ड है, सुपीरियर के लिए भी और सबऑर्डिनेट्स के लिए भी, ठीक है। फोर्थ क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मीन्स सिंगल पर्सन, कमांड मीन्स ऑर्डर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमको कोई भी एम्प्लॉय को जब ऑर्डर रिसीव होता है तो वो किन के थ्रू होना चाहिए, एक ही सिंगल बॉस के थ्रू होना चाहिए। इफ ही विल गेट ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस तो वो क्या क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन। और किस चीज का कन्फ्यूजन होगा, कि किन के ऑर्डर को एग्जीक्यूट पहले करे, ठीक है, जिसके कारण से ईगो क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है। फिर फिफ्थ क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मींस इक्वल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि सबको क्या करना है, इक्वल फेयर काइंड ट्रीटमेंट देना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, पोजीशन, ग्रेड, इनके बेसिस पे हम उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब है सबको इक्वल पे करना, नहीं, इक्वल सैलरीज पे करना प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं कहता। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के प्रिंसिपल्स करेंगे और बाकी
पूरा जो भी स्टार्टिंग से प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फीचर्स इंपॉर्टेंस और ये पांच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल ये अच्छे से रिवाइज करके आना. बात समझ में आया?